और अगर क्रिकेट पार्लियामेंट में खेली जाने लगेगी ना कि ग्राउंड में, तो इसके असरात क्या होंगे, इसमें क्या रेमिफिकेशंस इसके हो सकते हैं? शिवेंद्र, जरा इस पर आप जाहिर है इतने समय से ये देख रहे हैं, आप पाकिस्तान ट्रैवल करके वहां के क्रिकेट को इनसाइड आउट देख कर आए हैं, इज देयर अ शिफ्ट और क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस इन पाकिस्तान? नहीं, मुझे लगता है दिनेश अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। मतलब मुझे तो वो दौर याद है जब इंजमामुल हक का बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और मुश्किल से वो 5-6 साल का था, और हमने पूछा कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो उसने कहा सचिन तेंदुलकर। आज तो शायद वो ऐसा कही नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की कट्टरता हम लोग देख रहे हैं। और अमित ने जो कहा अभी, अब आप हसन की बात कर रहे हैं, मैंने स्टैट्स निकाला, 2017 में पाकिस्तान ने जब भारत को 180 रन से हराया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो यही हसन अली थे, 6.3 ओवर उन्होंने फेंके थे, सिर्फ 19 रन दिए थे, 3 विकेट लिया था और उसमें 1 विकेट महेंद्र सिंह धोनी का था। तब क्या हुआ था? तब क्या हसन अली खिलाड़ी नहीं थे? तो एक परफॉर्मेंस, एक कैच छोड़ देना और उसको इस तरह से बवाल बता देना, बना देना, ये दिखाता है कि क्रिकेट को लेकर कट्टरता किस तरह से उस तरफ बढ़ी है और वो ज़रूरत से ज़्यादा घातक है इस खेल के लिए। अगर किसी एक मुल्क की बुनियाद डाली जाए, जाहिर है टू नेशन थ्योरी प्रोपाउंड करके, और उसके बाद उस कट्टरता का इंजेक्शन हर कुछ दिन में बूस्टर डोज की तरह दिया जाए, खेल तक में डाला जाने लगे, तो वो फिर क्या उस मुल्क में क्रिकेट क्रिकेट रह जाएगा? मैं हारिस साहब आपको ये समझना चाहता हूं आपसे, हाँ आ रहा हूं आपके पास सर, कि क्रिकेट में भी डाल दिया जाएगा ये सब? सर देखिए, मुझे बहुत अफसोस इस बात की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हम बात ये करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया दे आर बोथ क्रिकेट लविंग कंट्रीज, आपस में क्रिकेट खेलना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क में जितने फैन एक जो को लाइक करते हैं क्रिकेट में, वो इसको आगे लेके दुनिया में इसको फैलाया जाए, बजाय इसके कि आप जो हमारे टीम कैप्टन ने बात की है, इट इज़ अ नॉर्मल बात जिसको आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी के सोच में भी नहीं है। जैसे हसन अली है, ऐसे शाहिद अफरीदी, ऐसे बाबर आजम है, अगर ये कैच छोड़ दिया यार, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ड्रॉप हो गया, डजंट मैटर, एंड दैट्स ऑल, उसने यही बात की और थी, कोई बात नहीं। मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके जो जितने भी पैनलिस्ट हैं, कि बजाय इसके कि आप ये बात करें इस्लाम की, हिंदुइज्म की, टूनी चंचूरी को, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको नफरत मत फैलाएं। ये शेख रशीद को समझाइए ना आप, सोशल मीडिया पे ये बातें चलती हैं, हर एक के बारे में चलती हैं, आपके बारे में भी, हमारे बारे में भी। ये हमारे यहाँ के किस मिनिस्टर ने कहा कि कभी भी जीतने पर हिंदुइज्म की जीत हो गई, हिंदुत्व की जीत हो गई? उसने बात की, अगर उन्होंने बात की है, वो बात वैसे करें कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा से बड़ा इमोशनल मैच होता है, बट इट वाज गॉट नथिंग टू डू विद अदर थिंग। और सोशल मीडिया पे ये लूज टॉक टॉक, क्या मतलब, ये ऐसे ही कह दिया उन्होंने कि आलम इस्लाम को ये जीत मुबारक है, इस्लाम की जीत है? इसलिए कि आपने देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आप लोगों ने हर चीज का अटैक किया हुआ है, आपने क्रिकेट बंद की हुई है दो सब कॉन्टिनेंट में जो इतने लविंग कंट्रीज हैं, आपकी पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों ने हर जगह पर किया हुआ है, आईपीएल में पाकिस्तान, अरे हमने तो जो किया है वो सर ठीक है, आपके यहाँ के लोग हसन अली को शिया बताकर उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है सर? ये सोशल मीडिया पे दो चार लोग कहते हैं, ये दो चार है सर, आपने देखा है क्या कितना ट्रेंड कर रहा है वो ट्रोलर्स, इसको किस लेवल तक ले गए, देखा है आपके मुल्क में लोग, आपके मुल्क में आपने देखा क्या उसके ऊपर, ये शामी के ऊपर क्या कुछ किया गया, लोग बातें करते हैं। आप ये बताइए, नहीं नहीं मेरे को ये बताइए, आपके यहाँ से कौन उनको ये समझाता है कि जहीर अब्बास शिया थे, वो एशिया के ब्रेडमैन कहलाते थे? नहीं नहीं, क्या शिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, ये बात समझाई जाती है आप लोगों के यहाँ? बिल्कुल, सबको पता है, कोई बात ही नहीं, जहीर बात ही सर, आप देखिए सच्चाई स्वीकारिए हारिस साहब, मुझे ये लगता है कि लाइनें खींचने की कहीं कोई सीमा नहीं रह गई है, हिंदू मुसलमान के बीच में लाइनें खींच दो, अहमदिया के, शिया के, सुन्नी के बीच में लाइनें खींच दो, जहां सुन्नी सुन्नी का मसला है वहां तालिबान वर्सेस आईएसआईएस के कर दो, इसका कोई नहीं, लाइनें खींचने का कहीं कोई सीमा तो होगी ना सर? अब जरा इसको समझना चाहता हूं मोहसिन सर, बड़ी बड़ी बड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ में आपसे ये समझने के लिए ये सवाल कर रहा हूं सर, और अगर आप इस पर जवाब दे पाए, क्योंकि आप वेटरन क्रिकेटर हैं सर, ड्रेसिंग रूम और क्रिकेट जितना पायस रहा है सर, क्या वो पॉल्यूट हुआ है पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में? नहीं, मैं आपको एक बात, आप एक रिक्वेस्ट करूंगा, के पास लोगों की आवाम के दिमाग में गलत सोच, हर जीत होती है पाकिस्तान इंडिया का मैच, एक बड़ा फुल ऑफ टेंशन होता है, इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ होता है, मैचेस हम मैं और कुछ स्टूडेंट टीम में, लेकिन ऑन द फील्ड हम खेलते थे अपने, इंडियंस खेलते थे अपने, हम खेलते थे अपने पाकिस्तान के लिए,
तो ये चीज एक उसको अच्छे और यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ ले गए आप टॉपिक को, आप क्रिकेट पे अगर मैच हो जाता है सर हम ले गए टॉपिक को, तो ले बात सुनिए आप, पहले बात सुनिए आप बीच में कुछ, और मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ मैच हो जाता आप पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान मैच क्यों हारा, इंडिया क्यों हार गई थी, वजह बताइए टेक्निकली, यहाँ शुरू हो गए तू मुस्लिम शिया निकली इन बातों से, और आइए इंसान सर मोहसिन सर आप बुजुर्ग हैं और आपका मैं आदर करता हूं, और इसीलिए मैं ये भी सुन गया जो आपने कहा बीच में कि रुकिए आप क्या बोल रहे हैं, मैं जनरली इस तरह की बातों को बहुत एंटरटेन नहीं करता अपने शो में, लेकिन क्योंकि बुजुर्ग हैं आप ज़ईफ हैं, मैं इसका भी एहतराम करता हूँ सर, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देयर इज एन एलिफेंट सिटिंग इन द रूम एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट स्पेसिफिकली नाउ। अब जब वहां पे चीजें बदली हैं पाकिस्तान में तो वो कोई बात नहीं करना चाहता इस पे, लेकिन सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।